शांति बाबा कहते समय आएगा सबको अपनी चलन का साक्षात्कार कर कि कितने पाप झूठ किए हैं बहुत विकार में जाते रहते हैं सेंटर पर भी आते रहते हैं है। ना उनको लगता है ना किसको क्या पता पड़ता है यहाँ भूल जाते हैं कि शिव बाबा अंतर्यी है बाबा तो सब देख रहे हैं शास्त्रों में भी इंद्र सभा की बात है ये एक की बात नहीं बहुत ऐसे होते हैं फिर जाकर दुश्मन बनते उनको को ना ये श्रीमत के विपरीत तुमने कर्म किया तो ट्रेटर बन जाते हमारे साथ ऐसा करते हमको ऐसे बात करते हमसे ऐसे कहते अपनी एक्ट नहीं देखते हमने क्या किया उसका ही तो रिएक्शन है वो नहीं देखना कि हमने क्या एक्ट चली हमारी एक्ट से कितनों का नुकसान होगा वो नहीं देखना श्रीमत भूले हो तो ऐसी एक्ट करो हो ना, फिर अगर उनको कहा जाता है ऐसा किया तुमने अब ये देखो तो भड़क जाते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं फिर इसका उसका उसके साथ ऐसा उसके साथ ऐसा ऐसी पार्शलिटी ये पता नहीं कितनी बातें निकालते हैं फिर बाहर जाकर ट्रेटर बनते हैं या, ऐसा है यहाँ ऐसा है उसी मुख से जिससे कहते थे कि भगवान मिल गया उसी मुख से फिर निरादर करते हैं। तुम्हारा तो मुख भी एक नहीं है तो क्या तुम भगवान के बनोगे पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल कर बुराइयाँ करते फिर क्या होता है जो अबलाई होती हैं जो अपने घर में से आती है उनके ऊपर गैस गिरती है सब कहते है, देखो वो वो बैठ गया देखो वो ऐसे कह रहा है जिसको तुम देख के चले थे हाँ अब तुम भी नहीं जाओ ऐसे फिर निरादर कितना बड़ा निरादर होता है कुछ हम तो किसी को कुछ नहीं कह रहे हमने तो बस जाना छोड़ दिए वो डंके की चोट पे ऐसे बुराइयां करते रहते हैं इसलिए जो यज्ञ का निरादर करे बड़ों का मान सम्मान न रखे वो ट्रेटर ही है और फिर ऐसे को बहुत कड़ी सजा मिलती अंदर ही अंदर खाते में वो किसके किसके साथ लिंक जोड़े ट्रेटरगिरी करते रहते हैं तभी उन्हों से ऐसी ऐसी एक्ट हो जाती है कि दूर होते जाते तो वो हैं तो बहुत ऐसे हैं बहुत ऐसे होते हैं फिर जाकर दुश्मन बनते अबलाओं पर विघंट डालते रहते बाते तो हैं बातें तो सब यहाँ की है भूलना नहीं है कि हम जो करते हैं वो कहीं सामने नहीं आता या बाबा को पता नहीं पड़ता सब पता पड़ता रियलाइजेशन की कमी है जिसकी वजह से हम अपनी गलती पर ही पता नहीं क्या क्या झूठ का पर्दा डालते रहते हैं ओके okay? ओम शांति